इनकी सूरत ये है, सूरत हाल ये है कि कलमा पढ़ने के लिए अगर कोई काफर तैयार है तो ये कहते हैं कि ना पढ़ो। समझ आ रही है? इस तो वड्डी कोई बदबख्ती है, उच्चा बोलो ना। अच्छे कोई बैठे हो रे हुकूमत दा चट्टा बट्टा उदे अगे कुरान रखो तो उन वाको भी दोए हाथ कुरान दे आ जा रख के दस एदी के मजाक पेश करे। 18-18 साल की पाबंदियां लगवानी, कलमा नहीं पढ़ो, फलान है फलान। ये खाली में एक गल का इशारा कर रहा हूं, बाकी जितनी गल्लां ने वो मैं पंडोरा खोला तो स्पेयर हो जाए, तो मैं अपनी जबान गंदी ना करना चाहता इन गंदियां लोगों के जिक्र नाल। मैं अपनी जबान को सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए खास करना चाहता। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ कि हाथ है मेरे जुड़े हुए वफा नबी पाक से। सुभान अल्लाह, केड़ा केड़ा बंदा है, क्या बात है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अब हाथ नीचे करें और बात सुनें, वफा सरकार नाल करो। वो गल सुनो मेरी, वफा हुजूर नाल करो। कियामत के दिन ए इमरान और वगैरह वगैरह इन्हां नूं छेवां कलमा नहीं आउंदा। ये गल सुन लो सारे जितने भी बैठे हो, दो मिनट बैठना जी, सुवी जी बैठना बैठना बैठना। मैं इन्हां नाल गल्लां दो कर लवां, दो आखरी गल्लां। इन्हां नूं छट्टा कलमा नहीं आता, इनको दुआए दुरूद नहीं आती, और ये बात करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीजीन का लफ्ज इन्हें पढ़ना नहीं आया। ये इस बदबख्ती की इंतहा को पहुंच चुके हैं कि ये अजाब इलाहिया का कहीं सबब ना बने। अगर मजमे में कोई बंदा भी इनका वफादार है, मैं सिर्फ उससे इतना कहूंगा, कलमा मुस्तफा दा पढ़े ही ते दिल मुस्तफा नु दे। और इनसे क्या मुखालफत है? हमारी कोई जमीन सांझी है? कोई नहीं। मैं जड़ियां गल्लां पे करदा सिर्फ अल्लाह वास्ते कर रहा हूं, किसी की डिक्टेशन पर नहीं कर रहा हूं। ना मैंने आपको खुश करना है, ना ही मैंने किसी और को। हाँ, मैं खुश करना चाहता हूं उन्हें जो गुम्बदे खजरा में लेते हो। आया 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 आया। काम करो हजूर से, हजूर से वफा करो, हजूर से और हजूर की हया करो। ये एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, बेशक आप अभी तक नहीं समझे हो, अभी तक तो किस रोज समझोगे। कभी हजूर की खत्म नबूवत पे डाका, कभी किताबों में से हजूर के लिए आखिरी नबी का लफ्ज हटाया जाना, फिर कभी खातम उन नबीजीन का लफ्ज इनकी जबानों पर नदार जारी होना, फिर अब आकर 18 साल से पहले कोई काबर कलमा नहीं पढ़ सकता। तो तुसा दोदू दुध नू दोदो कहंदे हो? यहूदो नसारा के एजेंडे, ये करोना करोना तुहानू क्यों नहीं चमड़िया? करोना मसाजिद को बंद, मदारिस को बंद, जितने यूटिलिटी स्टोर है सब खुले हुए हैं। मेरे कलेजे के टुकड़ों एक मुहिम है, मिर्ज़ियों की पूरी चाल है। एक चाल उनकी ये है कि हमारे सूफी उलमा को लड़ा रहे हैं आपस में, एक ये चाल है। ये अभी नहीं चाल चूज किया उन्होंने, मसलन फोटो एक मेरा ला देंगे, एक तुहाडा ला देना, अगे लिख देंगे मेरा लिख देंगे बाबे और इन्हें छिकया है, इन्हों ना लिख देंगे इन बाबे और छिकया है। हमारे उलमा को भी जो जहां पर बैठे हुए हैं, अगर आप ज़हीन ना होंगे अभी और अगर आप होशियार ना होंगे तो हम एक बड़े खतरे से दो चार हो सकते हैं। बेशक एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दो। मैं कहता हूं मुझे अगर कोई काफिर भी किसी आलम ने कहा है तो मैं उसके साथ एक रत्ती बराबर भी नाराज नहीं। आओ हाथों में हाथ डालो, इन मिर्ज़ियों का नाका बंद करो। क्या बात है, क्या बात है। सामने सदे सदे बाप के लिए एक जबरदस्त बंद बांधो। क्या बात है। हम आपस में लड़ते रहे और ये अंदर ही अंदर अपना काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर इनके बंदे मौजूद हैं, आपकी फौज में इनके बंदे मौजूद हैं,
आपके अस्पतालों में इनके बंदे मौजूद हैं, आपकी पुलिस में इनके बंदे मौजूद हैं, और ये वो बेगैरत तबका है इस जमीन पर, इस आसमान के नीचे मिर्ज़ई से गंदी मखलूक रब ने बनाई। बेशक बेशक। बोलो ताजदार है खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार है खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकि ये चले तो मेरे बैठना बचा है, मेरे हाथ जुड़े हुए इस्तिगफार का भी वादा ले लिया, दुरूद शरीफ का भी वादा ले लिया, इस्लाही गल्लां भी मैं कीतियां, इश्के रसूल दियां भी गल्लां कीतियां, लेकिन ये मेहरबानी फरमाओ सियाणे हो जाओ तो वफा हुजूर नाल करो। क्या बात क्या बात। कल कयामत के दिन कोई मानी मानी कयामत के दिहाड़े ही बहुत अगे है, ऐ कब्र साडे सामने है के कोई नहीं, वो कब्र विच जाना है कोई नहीं, तो कब्र विच के सामने है मानी, कब्र में किसने आना है, इस आरफ अली ये सीधा तन्नी बेगैरत हाकी आएगा कब्र में आएगा अपना कला। बेशक सुभान अल्लाह। आप खाने पीने मौज कर ले, लेकिन आपने मरना है, आपने कब्र में जाना है। आप हुजूर की पहचान के लिए कोशिश करें, और आला हजरत बरेलवी का यहाँ पर भी मैं जुमला कहूंगा, आप फरमाते हैं लोगों जब मुझे कब्र में डाला जाएगा और मुझसे फरिश्ते पूछेंगे कौन है ये, तो मैं कहूंगा हो मैं तो सारी जिंदगी रोंदा ही ना बस करे मौत ही मेनू ही ना दिली दार का है। क्या बात क्या बात सुभान अल्लाह। और किसी आशिक ने कहा था मैं तो ये कहूंगा मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। क्या बात। आप वादा करें हुजूर से वफा करेंगे इंशाअल्लाह। करना वरना नहीं है हुजूर से वफा करेंगे। क्या बात। घबराना भी नहीं है हुजूर से वफा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह असीरान नामूस रिसालत को जल्द रहमियां का आमीन सुम्मा आमीन। मगरब शुमाल जनूब पाकिस्तान के चारों कोलों में लपेट के इल्म को बुलंद फरमा। क्या बात। अल्लाह सुभानहु इस मुल्क पर औलिया का तसल्लुत फरमाए। क्या बात। अल्लाह सुभानहु गली गली के अंदर हुजूर के आशिक पैदा फरमाए। क्या बात आमीन। अल्लाह सुभानहु मिर्ज़ियों को खाइब असर करे आमीन। वो वजीर या वो सदर या वो कोई हुकूमती अहदेदार जो अंदरूनी खाना इनकी पुष्ट बनाई कर रहा है और इनकी मदद कर रहा है, सारे कहो खुदाया उसे तबाह कर दे आमीन। उसे बर्बाद कर आमीन। तू अंदर के भेद जानता है, दिलों की कफियात जानता है, जेड़े जेड़े इन हरामियों ने अंदरों रले हुए मेरे मालिक उनकी नस्लों को तबाह करके रखा आमीन। और हमें अपने आका से वफा अता फरमा आमीन। उनकी मोहब्बत के दीप जलाने की तौफीक अता फरमा आमीन। की